नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन और साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपको कहां पर कमाई के मौके मिलने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं, और साथ ही बताते हैं लंबे समय के लिए आप कहां पर इन्वेस्टमेंट, कहां पर निवेश कर सकते हैं, ये सारी बातें होंगी। और आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं सी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी, और साथ ही मेरी पूरी टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग खबर रिसर्च बताने के लिए। देवांशी से हम जानेंगे आज के मार्केट का पूरा एक्शन और जुबिलेंट फूड के नतीजों का अनुमान। कुशल बताएंगे एजीआर पर एसपी के फैसले क्या हैं और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। पूजा से हम जानेंगे अगस्त में कैसी रही ऑटो की बिक्री, और आशीष बताएंगे कोल इंडिया के नतीजे का अनुमान। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज दिन भर शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है। तो बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। फाइनली सेंसेक्स 273 और निफ्टी 83 अंक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 11,450 अंक के पार बंद होने में कामयाब रहा। मेटल इंडेक्स 3% और फार्मा इंडेक्स 2.5% तक चढ़ा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% तक चढ़ा। और अब आपको दिखाते हैं कि आज के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा जरा आप देख लें अपनी स्क्रीन पे। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब करीब 486 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 775 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। आज के सत्र को ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं? बाजार के लिए एक और उतार चढ़ाव भरा सेशन आज रहा। उम्मीद तो थी कि वॉलिटिलिटी रहेगी। हाँ, कल जितनी नहीं हुई वो तो कल तो एक एक्सेप्शनल सेशन था। आज थोड़े उतार चढ़ाव के बीच में बाजारों ने कारोबार किया। 700 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की रही और लगभग 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया। फाइनली बंद हुए हरे निशान के साथ। वजह, आज किसी तरह की कोई खराब खबर चीन के साथ तनाव को लेकर नहीं आई, इसी ने राहत दी। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, बीच बीच में खरीदारी और बिकवाली के दौर आते रहे। बड़े तेज उछाल, बड़ी तेज गिरावट आती दिखी। मिनटों मिनटों में बाजार की चाल बदलती हुई भी नजर आई। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों ही कंफ्यूज भी नजर आए कि करें तो क्या करें। तेजी करने का मन बनाते हैं तब तक मंदी होने लगती है, और मंदी करने का मन बनाए तब तक बाजार फिर रिकवर कर जाते हैं। तो उतार चढ़ाव के बीच जो कारोबार हुआ, फाइनली क्लोजिंग जो हुई हल्के हरे निशान के साथ। निफ्टी आपका 82 अंक ऊपर मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन 11,500 के ऊपर नहीं। बैंक निफ्टी हल्की सी तेजी, 50-60 पॉइंट की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कल की तेज गिरावट के बाद आज रिलीफ तो मिली है, हल्की राहत तो मिली है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार सस्टेन भी नहीं कर पाए, लेकिन कल के निचले स्तरों को तोड़ा भी नहीं और उन्हें भी होल्ड किया। तो अब कल का सेशन काफी अहम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी, तो अब आगे का सत्र काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब हम रुक करते हैं कि जिस तरह से हमने आज मार्केट में एक्शन देखा, और अब सवाल यह है कि इस एक्शन में कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने अपनी भूमिका अच्छी निभाई है और किन खबरों के दम पर निभाई है, ये डिटेल बताने के लिए देवांशी हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशी बताइए। कल की गिरावट के बाद आज बाजार में हल्की सी तेजी आती हुई दिखी है। निफ्टी, निफ्टी बैंक दोनों ही आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। साथ ही अगर सारे सेक्टर्स की बात करें तो हल्की सी खरीदारी सारे सेक्टर्स पर आती हुई दिखी थी। चुनिंदा सेक्टर्स थे जहां पे ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, आज टेलीकॉम स्टॉक्स में भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा। मेटल स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन होता हुआ दिखा। ऑटो स्टॉक्स थे जो बस करते हुए दिखे थे। और निफ्टी में आप देखिए भारतीय एयरटेल टॉप गेनर की सूची में शामिल होता हुआ दिखा। हिंडाल्को, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, ये कुछ
स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स थे। साथ ही अगर लूजर्स की बात करें तो आज ONGC नतीजों से पहले यहाँ पे लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। भारतीय इंफ्राटेल यहाँ पे आज लाल निशान के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पे गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। मेटल स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा जो ग्लोबल संकेत थे वो काफी पॉजिटिव थे, इसी के चलते सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन आता हुआ दिखा। हिंडाल्को सेल, टाटा स्टील, मॉइल, इन्होंने अपने जो कुछ प्रोडक्ट्स है इनकी प्राइसेस बढ़ा दी थी। नाल्को, JSW स्टील, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था। और इसके अलावा फार्मा स्टॉक्स भी आज रडार पर थे, जहां पे बायोकॉन अच्छी खबर के चलते जो इंसुलिन लॉन्च किया है US में, इसके चलते 8% तक के गेंस थे। इपका लैब्स, डीवीज लैब्स, सिप्ला, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे 3-4% तक की तेजी दिखी। केमिकल स्टॉक्स, हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया कि अब सरकार जो है वो कई ऐसी एंटी डंपिंग ड्यूटी पर जांच करते हुए दिख रही है, और इसी के चलते दुर्बल केमिकल्स, गुजरात फ्लोरो जैसी कंपनीज हैं जहां पे आज अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा, 7-8% तक की तेजी। साथ ही टेलीकॉम स्टॉक्स आज फोकस में थे जो AGR मामले पर सुनवाई थी, इसके चलते भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों में आज पूरा एक्शन आता हुआ दिखा। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। ONGC नतीजों से पहले लाल निशान में महानगर गैस, यहां पे आप देखिए वायदा बाजार में आज फ्रेश शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। और साथ ही सी बिजनेस की जो हिट कॉल्स है इसके चलते आपकी कमाई जरूर हुई होगी। इस कॉल्स खरीदारी की राय दी गई थी, ICICI बैंक पर बिकवाली की राय आज मिलते हुए दिखी थी। बालाजी अमाइंस, ये आपको सुबह से जाया गया था। और एयरटेल, ये स्टॉक था जो आपको कल से हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, और आज देखिए अच्छे गेंस इस स्टॉक में भी आते हुए दिखे थे। तो इनऑल आज मार्केट में पॉजिटिव एक्शन जरूर बनता हुआ दिखा। तो देवांशी ने डिटेल में आपको बताया कि आज कहां कहां पर एक्शन दिखा है। अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जिस तरह से मार्केट हमने देखा, कल की तेज गिरावट के बाद आज बाजार फाइनली तेजी के साथ बंद हुए, कल का मार्केट आपको कैसा दिखता है और कल के बाजार में कल के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? जी इनफैक्ट एक रिलीफ रैली देखने को मिली आज कल की बड़ी गिरावट के बाद में, और मेरा अभी भी मानना है कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो पेन है वो थोड़ा समय और जारी रहेगा। दूसरी बात ये क्योंकि सितंबर सीरीज में रिकॉर्ड लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं अगस्त से सितंबर में, तो सारे लोग तेजी में है और सभी ने अपनी पोजिशन लॉन्ग साइड पर ही कैरी फॉरवर्ड किया है। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को बिल्कुल मिलेगी इस बार, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिए बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी हुई है, तो मेरा मानना है थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है अभी भी बाजारों में, क्योंकि मैक्रो फैक्टर्स भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक स्टॉक की बात है तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा बजाज फाइनेंस को। मेरा मानना है कि जो कि 31 अगस्त को मॉरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद जो NBFC कंपनियां हैं और जहां पे रिकवरी का काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वो स्ट्रांग होकर इमर्ज करेंगी, और जिनका रिटेल में डोमिनेटिंग पोजीशन है, तो मेरा मानना है कि कल के लिए बजाज फाइनेंस को बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 3,700 रुपए का टारगेट कल देखने को मिलेगा, और पोजिशनल कॉल भी लिया जा सकता है इस सीरीज के लिए। अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा सर कोई और पोजिशनल कॉल जो आप बताना चाहें जो कल के मार्केट में लिया जा सकता है? जी अडानी ग्रीन एनर्जी मेरा एक पिक रहेगा, जो एक इस पर्टिकुलर सितंबर मंथ की पोजीशन के लिए लिया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म के लिए किसी को डिलीवरी बेस बाइंग करना है तो ये भी एक अच्छा पिक रहेगा। अब रैशनल ये है कि चूंकि अब इनकी जो रैंकिंग हो गई है तो ये रिन्यूअल में और पर्टिकुलर सोलर एनर्जी में ये वर्ल्ड के नंबर वन प्लेयर बन चुके हैं, तो और अगले 5 साल में जो उनके पास प्रोजेक्ट लाइनअप है तो यहाँ से 13,000 से करीब 25,000 मेगावाट कैपेसिटी इनके पास में रिन्यूअल की हो जाने वाली है। तो चूंकि एक अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है और यहाँ पर भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी भी है ये अडानी ग्रीन एनर्जी, तो अब इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन स्टॉक में बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें फ्लोटिंग स्टॉक ऑलरेडी काफी कम है, सिर्फ 75% स्टेक प्रमोटर के पास में है, और बाकी जो फ्लोट है वो काफी कम है, इसके अलावा पैसा जुटाने की कवरेज भी है स्टॉक में, तो इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय करने की सलाह है। अच्छा, तो ये दो कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, एक तो इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहां पर ट्रेड ले सकते हैं, ये आशीष जी ने आपको बताया। आगे हम आपको बताएंगे कि ट्रेड तो ठीक है लेकिन लंबे समय के लिए आप कहां पर निवेश कर पाएंगे,
लंबे समय के लिए आपके लिए कहां पर निवेश करना फायदेमंद होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अब रुख करते हैं आज की एक सबसे बड़ी बिजनेस की खबर की, और खबर यह है कि टेलीकॉम कंपनियों के एजीआर बकाए पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। ये फैसला क्या है और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा टेलीकॉम कंपनियों पर, ये समझाने के लिए बताने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल, बताइए कि एजीआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा है और इसका सबसे ज्यादा असर किस टेलीकॉम कंपनी पर होने वाला है। बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए यहाँ पर काफी दिनों के बाद जितनी सारी हियरिंग्स हुई थी, फाइनली एजीआर का वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज अनाउंस कर दिया है और काफी बड़ी राहत आप कह सकते हैं टेलीकॉम कंपनियों को मिलती हुई नजर आई है, जहां पर भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों को जो है 10 साल का समय मिलता हुआ दिखा है एजीआर भुगतान करने के लिए। और ये जो राहत मिली है भारतीय एयरटेल के लिए तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो एजीआर बकाया है वो कंपैरेटिवली जो वोडाफोन आइडिया है उनसे काफी कम है। पर यहां पर कुछ और कंडीशंस भी उन्होंने जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर 31 मार्च 2021 तक आपको जो आपका कुल एजीआर बकाया का भुगतान है उसका 10% अपफ्रंट पेमेंट करना होगा, और साथ ही अगले वित्तीय वर्ष से जो है अगले 10 सालों तक आपको हर 7 फरवरी को एक इंस्टॉलमेंट जो है कुल एजीआर बकाए की जो भी आपका भुगतान अभी बाकी बचा है वो आपको पूरा करना है, और भुगतान अगर नहीं होता है तो वो एक कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है। जहां तक स्पेक्ट्रम मामले में की बेचने की या ट्रांसफर करने की बात है, उस डिसीजन को उन्होंने एनसीएलटी पर छोड़ा है, तो वहां पर जो भी इंसॉल्वेंट कंपनियां हैं जो आईबीसी के अंदर अभी प्रोसीडिंग्स में है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस, वीडियोकॉन, एयरसेल, कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर बकाया है वहां पर, कहीं ना कहीं वहां उस पर डिसीजन जो है आना वो अभी बाकी है, वो एनसीएलटी की तरफ से आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ये कुशल ने आपको डिटेल में बताया कि क्या फैसला है और क्या इम्पैक्ट इसका टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर होने वाला है। लेकिन चूंकि कुशल हमारे साथ जुड़े हैं और इस बीच ONGC के नतीजे भी आ गए हैं, नतीजे कैसे रहे हैं, अनुमान के मुकाबले नतीजे कैसे हैं, ये डिटेल समझाने के लिए कुशल बने हुए हैं। कुशल बताइए कैसे नतीजे आए हैं ONGC के। मृत्युंजय, नंबर्स तो प्राइमरली अच्छे साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं, अभी आधे घंटे पहले ही इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और यहाँ पर जो आय आती हुई दिखी है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए की है, और हमारा जो अनुमान था 13,500 करोड़ रुपए का था। पर बाकी फ्रंट्स पर अगर आप ऑपरेशनल फ्रंट्स देखें या फिर जो इनका एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा आता हुआ दिखा है वो सिग्निफिकेंटली हमारे एस्टिमेट से बेहतर साइड पर आता हुआ नजर आ रहा है। जो कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 5,623 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 5,900 करोड़ का करीब एबिटा पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो 40% से बढ़कर 45% होती हुई दिखी है, हमारा अनुमान 41.5% का था। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी का मुनाफा 496 करोड़ रुपए का आता हुआ दिखा है, हमारा अनुमान जो था वो 87 करोड़ के घाटे का था। तो ऑल इन ऑल नंबर्स तो बेहतर साइड पर दिख रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि नंबर जो है अनुमान के मुकाबले बेहतर है, तो आशीष जी इस बेहतर नंबर का कल के कारोबार में क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं और कितना लंबा इंपैक्ट देख रहे हैं ONGC के ऊपर? जी, पॉजिटिव बात यह है कि जो उनके मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट हुआ 40-45% का, वो एक बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनकम भी उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, तो वो वहां पे भी मुझे कोई चैलेंज नजर नहीं आता। सिर्फ एक इशू है कि जो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक वर्टिकल फॉल कुछ समय से देखने को मिला है, वो इनफैक्ट स्टॉक प्राइस में कोई बहुत बड़ी अपसाइड को चेक रखेगा, क्योंकि क्योंकि ये भी एक मेजर प्लेयर है नेचुरल गैस के, तो वहां पर उनको लॉस हो रहेगा। तो मेरा अभी भी मानना है कि इसमें अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही लिमिटेड है, 75 और 85 के बीच में ही स्टॉक मेरा मानना है ट्रेड करता रहेगा। अच्छा, तो 75 और 85 ये आपका एक रेंज आपने दिया है, इसी के बीच में ट्रेड होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कल कोल इंडिया के नतीजे आने वाले हैं और कोल इंडिया के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, क्या आंकड़े आ सकते हैं, आय कितनी रह सकती है, मुनाफा कितना रह सकता है, ये डिटेल समझाने के लिए बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए। देखिए, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे, कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 60% घटकर करीब 1858 करोड़ रहेगा, मार्जिन में आपको काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले,
एबिटा मार्जिन 26.5% से घटकर केवल 10% रहेंगे, और मार्च तिमाही के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो डिस्पैचेस हैं उसमें भी आपको 26% की गिरावट देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा 71% घटेगा, रियलाइजेशन में गिरावट देखने को मिलेगी, और टॉप लाइन यानी आय है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 23% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अहम होगा जो पावर कंपनी से रिसीवेबल्स है वहाँ पर कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पिछली तिमाहियों में हमने देखा था कि रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, अब कितना इंप्रूवमेंट आता है इसको क्लोजली वॉच करना होगा, लेकिन अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें तो नतीजे बेहद कमज़ोर नजर आएंगे। तो नतीजे कमजोर रहने का अनुमान है, ये आशीष ने बताया कोल इंडिया के नतीजों के बारे में। लेकिन अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, कल का कारोबार ऑप्शन ट्रेड के लिहाज से कैसा रह सकता है, और कल ऑप्शन में क्या ट्रेड लेना बेहतर रहेगा? जी नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके दर्शकों को। तो दो ट्रेड लेकर आया हूँ, एक आईटीसी, दूसरा टाटा कंज्यूमर। ये जरूरी है कि बैंक वाले स्टॉक नहीं लिए हैं, क्योंकि उनका जो एग्रीमेंट जो जजमेंट है वो कल आएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो आईटीसी जो कई कंजम्पशन स्टॉक है, होटल खुले भी हैं, तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स की बिक्री और होटल की ऑक्यूपेंसी दोनों थोड़ी बेहतर होती दिख सकती हैं, तो उस वजह से मैंने सितंबर माह का इसका 195 रुपए का कॉल लेने की सलाह दे रहा हूँ। 5.45 रुपए का खरीदे प्रीमियम पे, और इसका स्टॉप लॉस रखें 3.90 रुपए, टारगेट रहेगा 8 रुपए। और टाटा कंज्यूमर जो लगातार अच्छे लेवल पे बना रहता है और काफी हद तक इसके अंदर बॉयंसी भी है, तो आईटीसी तो नीचे गिरा है और वहां से घूमने की जगह है, जबकि टाटा कंज्यूमर जो लिया है ये भी कंजम्पशन स्पेस का, लेकिन ये मोमेंटम में है, तो दोनों का समावेश है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए रादर। तो 560 के कॉल ले सकते हैं 17.45 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए, और टारगेट रहेंगे 24 रुपए। आप ध्यान रखिए 4 दिन की मोहलत, और दोनों में कुछ भी ना हो, ट्रेडिंग या स्टॉप लॉस पास, टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हो तो इससे निकल जाए। वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हैं। अनिल जी, कल बाजार को कहां से ट्रिगर्स मिल सकते हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ संकेत हम लेना चाहेंगे विदेशी बाजारों से कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है, लेकिन बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, ज़्यादा संकेत जो होंगे वो हमारे बाजारों के ही अपने काफ़ी अहमियत वाले होंगे कि क्या चीन के साथ तनाव को लेकर किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट होता है। अगर होता है तो वही बाजारों की दशा तय करेगा। अगर अच्छी खबरें आती है बाजार तेजी से बढ़ेंगे, खराब खबरें आती तो जोर से गिरेंगे भी, ये बात निश्चित है। कैश मार्केट के स्टॉक में आज वॉल्यूम कम होता हुआ दिखा, नए मार्जिन सिस्टम के साथ लोग एडजस्ट करने की सीखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रेंज के लिहाज से मैं आपको बता दूं 11,300 से 11,400 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर है, और इस रेंज में आते ही बाजार में खरीदारी आती दिखती है, और ऊपरी स्तर पर 11,500 से लेकर 11,600 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पर 23,400 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, 24,200 ऊपरी स्तरों पर थोड़ी सी रुकावट का लेवल है। इन रेंज को ध्यान में रखते हुए कल आपको बाजार में ट्रेड करना है। अगर कोई बड़ा मूव आता है तो उसके लिए खबरों की जरूरत होगी, किसी भी तरह की खबर, अच्छी खबर हुई तो तेज उछाल और बुरी खबर हुई तो तेज गिरावट, लेकिन इसके अलावा अगर खबरों के बगैर दिन शांति से निकल जाए तो इसी रेंज में बाजार आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है अभी भी 1 या 2 दिन लोगों को थोड़ा सा आराम से ट्रेड करना चाहिए। हाँ, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, अच्छे क्वालिटी शेयर खरीदते रहिए, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उन्हें थोड़ा सा सावधानी रखनी। पहला, कैश मार्केट में जो मार्जिन्स के नियम आए उससे थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है, वहाँ थोड़ी सावधानी रखें, और दूसरा जो कुछ भी एक्शन आपके लिए वायदा कारोबार का है उसमें ओवरनाइट पोजीशन रखने में हल्की सी रिस्क ज़्यादा है, तो उस लिहाज से भी आपको थोड़ा एक्शन कम करना, तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बनानी है। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन आशीष जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि
कि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के निवेशक हैं, उनके लिए इस मार्केट में कहां पर मौका है, कहां पर पैसा लगाना चाहिए? जी, मेरी सलाह रहेगी एलएनटी इंफोटेक को बाय करने के लिए, लंबी अवधि का नजरिया है किसी निवेशक का और 6 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। एलएनटी इंफोटेक जिसने आज अपना 52 वीक हाई को भी टच किया है, वहां पर निवेश किया जा सकता है। और रीजन ये है कि जो फंडामेंटल्स धीरे धीरे चेंज हुए हैं कंपनी के, तो जैसे TCS, इंफोसिस, HLTech, सभी में हमने अच्छा मोमेंटम देखा। अभी L&T इंफोटेक पे वो रैली आना अभी भी बाकी है। यदि कंपनी के लास्ट क्वार्टर के नंबर्स देखें तो मार्जिन में करीब 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया। जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो फॉल था वो वन ऑफ द लोएस्ट था इंडस्ट्री के पीयर्स के साथ में। इसके अलावा जो उनका BFSI का बुक है और जो डिजिटल का उनकी पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है। और एक बड़ा ये है कि जैसे US डॉलर अपने 2 साल के न्यूनतम स्तर आ गया है, IT कंपनीज के लिए काफी अच्छा समय रहेगा क्योंकि उनको करेंसी का भी गेन रहेगा। तो मेरी सलाह रहेगी अभी L&T इंफोटेक बाय करने की। और मेरा मानना है ये स्टॉक यहाँ से करीब 600 से 700 रुपए की अपसाइड भी अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर देखी जा सकती है, और यहाँ से मुझे डाउनसाइड रिस्क भी नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपके लिए जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, कल और परसों 2 दिन एक्सपायरी है वीकली, यानी परसों एक्सपायरी है, तो कल हम लोग क्या करेंगे 11500 की कॉल ऑप्शन लेकर के 11600 की हम बेचेंगे, जिसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। इसमें कुल कॉस्टिंग आपकी 30 से 35 रुपए की आनी चाहिए, और ये इसमें टारगेट हम 60-65 रुपए का रखेंगे और स्टॉप लॉस हम 20 रुपए का रखेंगे। निफ्टी में पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि ये 500-600 के बीच में एक्सपायरी आनी चाहिए, तो ये बुल कॉल स्प्रेड प्ले कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक में देखेंगे तो SDFC बैंक, जिसमें आज भी स्ट्रेंथ बनी हुई थी, तो SDFC बैंक को बाय करके चलना चाहिए। 1155 तक के टारगेट हो सकते हैं और 1110 का। जी, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, आशीष जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्यों रहा, और कल का बाजार कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।